एक ऐसा 500 साल पुराना मंदिर जहां सिर्फ भक्त नौकरी की तलाश में आते हैं। जी हां, आपने सही सुना, अच्छी नौकरी और विदेश जाना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन ये तमन्ना हर इंसान की पूरी नहीं हो पाती, कुछ लोगों की अधूरी ही रह जाती है। पर शायद आपको ये नहीं पता कि आपकी है तमन्ना मंदिर में पूरी हो सकती है। जी हाँ, हैदराबाद से करीब 40 किलोमीटर दूर एक मंदिर, ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ बेरोजगार अपनी नौकरी की तमन्ना लेकर आते हैं। इसके अलावा लोग वीजा दिलाने की प्रार्थना भी कर रहे यहाँ आते हैं। मान्यता के अनुसार यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता है। जी हाँ, जिस अनोखे मंदिर की हम बात कर रहे हैं, वह मंदिर हैदराबाद की सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित चिलकूर बालाजी मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर में लोग चढ़ावे के रूप में हवाई जहाज चढ़ाते हैं। जी हाँ, आपको सुनकर अचरज हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। लोगों का कहना है कि यहाँ हवाई जहाज चढ़ाने से वीजा मिलना आसान हो जाता है। दर्शनार्थी बताते हैं कि वीजा के लिए दूतावास के चक्कर लगाने से अच्छा है कि चिलकूर बालाजी मंदिर में आया जाए। जल्द ही आपके वीजा बनने में आ रही सारी रुकावटें हट जाती हैं। अगर आपको भी कई महीनों से वीजा नहीं मिल रहा है तो आंध्र प्रदेश में स्थित चिलकूर बालाजी के दर्शन कर आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। चिलकूर बालाजी को वीजा वाले बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राचीन मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। इस मंदिर में लोग नौकरी की मन्नतें लेकर भी आते हैं और उनकी मनोकामना जल्द ही पूरी भी हो जाती है। लोक कथाओं के अनुसार वेंकटेश बालाजी के एक भक्त हर रोज कई किलोमीटर चलकर त्रिपुति बालाजी के दर्शन के लिए जाते थे। एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वह मंदिर नहीं आ पाए। इस दौरान बालाजी ने खुद भक्त को सपने में आकर दर्शन दिए और बोले कि इतनी दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं यहीं तुम्हारे पास इस जंगल में रहता हूँ। अगले दिन जंगल में उसी जगह पर मूर्ति की स्थापना हुई। वही मंदिर आज चिलकूर बालाजी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी वीजा में या फिर पासपोर्ट बनाने में कोई दिक्कत आ रही है या आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी विदेश में लगे, तो ऐसे में आपको इस मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। चिलकूर बालाजी मंदिर आपकी ही राह देखेगा, लेकिन बस आपको प्रसाद स्वरूप यहाँ पर चढ़ावे में हवाई जहाज चढ़ाना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।